इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम्स हों या फिर कंपटीशन एग्जाम्स हों, उसमें एक पैराग्राफ दिया रहता है और उसमें एक क्वेश्चन आता है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए पैराग्राफ में आप उचित पंक्चुएशन मार्क्स लगाएं अर्थात विराम चिन्ह लगाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पंक्चुएशन मार्क्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विराम चिन्ह। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पंक्चुएशन मार्क्स, जिसे हम हिंदी में विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एटसेट्रा आर कॉल्ड मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन ब्रिंग्स क्लैरिटी टू और राइटिंग। तो ये जो फुल स्टॉप है, कॉमा और ये सेमी कॉलन है, इन जैसे चिन्ह जो होते हैं इन्हें हम पंक्चुएशन मार्क्स के नाम से जानते हैं, और इनको लगाने से जो हमारे लेखन में शुद्धता आ जाती है। लिखते या बोलते समय कहाँ पर हमको कितना देर रुकना है यह इसी पंक्चुएशन मार्क्स के आधार पर डिसाइड होता है, या फिर हम कहाँ पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, कहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, इन सब चीज़ों का उल्लेख करने के लिए विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पंक्चुएशन इज द यूज ऑफ मार्क्स टू डिवाइड रिटन वर्ड्स इंटू सेंटेंसेस, क्लॉजेस, फ्रेजेस एट्सेट्रा टू मेक देम मीनिंगफुल, है ना। किसी सेंटेंस में अलग अलग वाक्यों को अलग करने के लिए, अलग अलग फ्रेजेस को अलग करने के लिए, अलग अलग क्लॉजेस को अलग करने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, पंक्चुएशन मार्क्स की आवश्यकता पड़ती है। और इनके द्वारा ही हमारा जो सेंटेंस है, जो क्लाज है या फ्रेज है, वह मीनिंगफुल बनता है, सार्थक बनता है। तो यह इसका महत्व हो गया। अब हम देखेंगे मेन पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं। पहला है फुल स्टॉप, जिसे हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। हिंदी में हम ऐसा खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं इसकी जगह में। राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, एक स्टेटमेंट है, अंत में फुल स्टॉप है। द कॉमा, कॉमा कहाँ पर लगाते हैं। अजय इज लॉयल, ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। अजय नाम का लड़का है जो लॉयल भी है, ऑनेस्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है, मतलब तीन विशेषण है, तीन विशेषता बताने वाले शब्द आ रहे हैं, तो इसलिए इनके बीच में कॉमा लगा हुआ है। द सेमी कॉलन, सेमी कॉलन से क्या बताते हैं हम। अ हैंडसम बॉय, अ ब्यूटीफुल सीन एंड इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पर तीन सेंटेंस हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पर लगाया सेमी कॉलन। तीनों अपने अपने आप इंडिपेंडेंट है, अ हैंडसम बॉय, अ ब्यूटीफुल सीन एंड इंटेलिजेंट गर्ल। द इंट्रोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आपको पता है कहाँ लगाते हैं। व्हाट इज योर नेम, है ना, आपका क्या नाम है। तो जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तब हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अभी हम इनका डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। द एक्सक्लेमेशन, जहाँ पर हम सडन फीलिंग्स बताते हैं, स्ट्रांग फीलिंग्स एंड इमोशंस, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा खुशी या फिर विस्मय, आश्चर्य, है ना। सडन फीलिंग्स, सरप्राइज, सैडनेस, हैप्पीनेस एट्सेट्रा। व्हाट अ लॉस, है ना, मतलब कितनी बड़ी क्षति है, कितना बड़ा नुकसान है, यह हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद द कॉलन, कॉलन मतलब ऊपर नीचे दो डॉट लगाते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कॉलन। ये जैसे दो डॉट मैंने लगा दिया, कॉलन बोलते हैं। अमित सेड लेट मी गो, अमित ने कहा मुझे जाने दो, तो यहाँ पर हम लगा दिया कॉलन। अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी ऐसे लगाते हैं, अपोस्ट्रॉफी किसको बोलते हैं। दिस इज वैभव्स बुक, यह वैभव की किताब है, तो अपोस्ट्रॉफी के द्वारा हम पोजेशन बताते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म बताते हैं किसी चीज। कांट, है ना, जैसे कांट है, कैन नॉट, अगर मैं लिखता हूँ कैन नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा कांट, तो ये है, यहाँ पर लगाते हैं अपोस्ट्रॉफी। द इनवर्टेड कॉमास, डबल इनवर्टेड कॉमा बोलते हैं ऐसे, डबल इनवर्टेड कॉमास। अभ्युदय सेड आई मस्ट गो नाउ, अब डायरेक्ट स्पीच में पढ़े होंगे कि हम किसी के स्टेटमेंट के एक्चुअल वर्ड्स को बताने के लिए, किसी के कोटेशन को बताने के लिए हम इनवर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं। डबल इनवर्टेड कॉमास को कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है, कोटेशन मार्क। अभ्युदय सेड आई मस्ट गो नाउ, अभ्युदय ने कहा मुझे अब जाना चाहिए, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर डबल कोटेशन ये रहेगा।
अभ्युदय सेड आई मस्ट गो नाउ। टाइपिंग करते समय कई बार मिस्टेक्स हो जाता है, हालांकि मैं आपको पढ़ाते समय बताता हूँ तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। जी 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 पंक्चुएशन मार्क्स। अब अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स के क्या उपयोग हैं, कैसे हमको प्रयोग करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है। पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब कम्प्लीटली हम रुक जाते हैं एक सेंटेंस के बाद में। द फुल स्टॉप इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट और अ कमांड। किसी वाक्य के अंत में या फिर किसी स्टेटमेंट के अंत में या फिर किसी ऑर्डर या कमांड के आखिरी में, जब हम किसी को आदेश देते हैं, कमांड देते हैं, उसके अंत में लगाते हैं फुल स्टॉप। जब कोई स्टेटमेंट समाप्त होता है या फिर जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, तब उसके अंत में हम लगाते हैं फुल स्टॉप। कुणाल नीड्स अ डिक्शनरी, एक स्टेटमेंट है, कुणाल को एक डिक्शनरी चाहिए, शब्दकोश चाहिए। ब्रिंग अ डिक्शनरी फॉर हिम, तो किसी को कमांड दिया जा रहा है, किसी को आदेश दिया जा रहा है, उसके लिए एक डिक्शनरी लाओ, आदेश दिया जा रहा है। कुणाल को एक डिक्शनरी चाहिए, उसके लिए एक डिक्शनरी लाओ, अंत में हमको लगाना है फुल स्टॉप। द फुल स्टॉप इज यूज इन एब्रेविएशंस। कुछ जो वर्ड्स होते हैं हम उसको संक्षेप में लिखते हैं, समय बचाने के लिए या फिर स्पेस बचाने के लिए, या फिर कुछ एब्रेविएशंस बहुत प्रचलित हो चुके हैं, हमको बोलने से पता चल जाता है। जैसे एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स है ना, एम डॉट ए डॉट, मतलब एम के बाद फुल स्टॉप, ए के बाद फुल स्टॉप, एम ए बोलने से पता चल जाता है मास्टर ऑफ आर्ट्स एक डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। एम पी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य है ना, एम पी एम एल ए, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद सदस्य, तो यहाँ पर लगाते हैं फुल स्टॉप। तो आप समझ गए होंगे फुल स्टॉप कहाँ कहाँ पर लगाना है, किसी स्टेटमेंट में, किसी कमांड या ऑर्डर में, या फिर एब्रीविएशन में। द कॉमा, कॉमा कहाँ पर लगाना है हम देखते हैं। द कॉमा इंडिकेट्स द शॉर्टेस्ट पॉज, जहाँ पर कॉमा लगा होता है वहाँ पर सबसे कम समय के लिए हम रुकते हैं। वी यूज इट विद इन अ सेंटेंस फॉर ग्रेटर क्लैरिटी ऑफ मीनिंग, किसी सेंटेंस में कॉमा का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि उसका एक निश्चित और व्यवस्थित अर्थ निकले, वो बहुत ही मीनिंगफुल हो, हमारा सेंटेंस जो है सार्थक हो, अच्छा मीनिंग में क्लैरिटी आ जाए, शुद्धता आ जाए, सेंटेंस का जो मीनिंग है उसमें शुद्धता लाने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। द कॉमा इज यूज टू सेपरेट द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं, किसी सेंटेंस में अलग अलग शब्द जो काम करते हैं उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन इंटरजेक्शन प्रेपोजिशंस, इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में बार बार रिपीट होते हैं, तब उनको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं कॉमा। जैसे निखिल बॉट एप्पल्स बनानास एंड मैंगोस, तीनों फ्रूट हैं, फ्रूट्स के नाम हैं और तीनों ही नाउन हैं, तो इन तीनों को अलग करने के लिए बीच में कॉमा लगाना जरूरी है। महेंद्र इज ऑनेस्ट लॉयल एंड ड्यूटीफुल, महेंद्र नाम का लड़का है जो ऑनेस्ट भी है, लॉयल भी है और ड्यूटीफुल है। तो जो तीनों वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव्स हैं जो महेंद्र की विशेषता बता रहे हैं। एडजेक्टिव्स मतलब तीनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, लॉयल भी एडजेक्टिव है, ड्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। अब इन तीनों को अलग करने के लिए हमको कॉमा का प्रयोग करना पड़ता है। वी यूज अ कॉमा टू सेपरेट वर्ड्स आर फ्रेजेस इन अ सीरीज, किसी सीरीज में वर्ड्स को अलग अलग करने के लिए, मतलब किसी सेंटेंस में वर्ड्स को अलग अलग करने के लिए, या फ्रेजेस जो वाक्यांश होते हैं जिनका अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब जो वाक्य में प्रयोग जब हम करते हैं फ्रेजेस का, तब उनका मीनिंग निकलता है। जैसे आर हीरोज कैन सिंग डांस राइड स्विम फाइट, इतने सारे एक्टिविटीज हैं, ये सारे वर्ब हैं, ये सारे क्या हैं, वर्ब्स हैं। यहाँ पे ये वर्ब हैं और यहाँ पर ये एडजेक्टिव थे और यहाँ पर ये नाउंस थे, तो ये सब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउंस हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, यहाँ पर वर्ब्स हो गए। तो हमारे हीरो क्या कर सकते हैं, जो फिल्मी हीरो होते हैं वो गाना भी गा सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, घोड़े और गाड़ियों में राइड भी कर सकते हैं, सवारी भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, फाइट भी कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ब्स हो गए एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक बात ध्यान में रखने का है, नो कॉमा बिफोर एंड, एंड के पहले कोई कॉमा नहीं लगता साधारण परिस्थितियों में,
लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में लगा सकते हैं। कॉमा का थर्ड रूल है, द कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट फ्रेजेस इन एपोजिशन। अब एपोजिशन क्या है देखते हैं। गगन माई फ्रेंड इज अ पायलट, गगन जो कि मेरा दोस्त भी है और पायलट भी है, तो माई फ्रेंड ये एक सेंटेंस हो गया और इज अ पायलट यह एक हिस्सा हो गया। एपोजिशन मतलब लगभग एक जैसे बराबर वैल्यू के, तो गगन मेरा दोस्त एक पायलट है। एपोजिशन मतलब होता है जो बराबर वैल्यू के हों, समान अधिकरण, समान जैसे उद्देश्य रखते हों, समान वैल्यू रखते हो। वी यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ नाउन ऑफ एड्रेस। वी यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ नाउन ऑफ एड्रेस। एड्रेस मतलब किसी को संबोधित करना, किसी को पुकारना, जैसे आकाश प्लीज हेल्प मी क्लीन माई रूम, तो आकाश से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आकाश को संबोधित किया जा रहा है कि मुझे मेरे कमरे की सफाई करने में मेरी सहायता करो, है ना। वी यूज इट टू सेपरेट एक्सप्रेशन लाइक यस नो ओ वेल थैंक यू एटसेट्रा। इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस आते हैं तो इनके बाद क्या है कॉमा का प्रयोग किया जाता है, जैसे नो आई हैव नो टाइम टू स्पेयर दिस मॉर्निंग, है ना, मतलब आज मेरे पास तुम्हारे साथ बिताने के लिए समय नहीं है, नहीं आज सुबह मेरे पास तुम्हारे साथ बिताने के लिए समय नहीं है, खाली समय नहीं है। वेल आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, है ना, मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूंगा, तो वेल के बाद यहाँ पर कॉमा लग गया। इसके बाद टू सेपरेट, ये नहीं, टू सेपरेट क्वेश्चन टैग फ्रॉम माई स्टेटमेंट, है ना, किसी क्वेश्चन टैग को स्टेटमेंट से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन टैग का मैं टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा आपको। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक सेंटेंस खत्म हो रहा है यहाँ पे कॉमा लग गया, इजंट इट, ये हो गया क्वेश्चन टैग। मतलब जब हम कोई बात बोलते हैं उसको कंफर्म करने के लिए फिर से प्रश्न पूछते हैं निगेटिव में, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, सेंटेंस अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अफर्मेटिव है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इजंट इट, नहीं है क्या, यह हो गया क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। तो किसी स्टेटमेंट, किसी क्वेश्चन टैग को उसके स्टेटमेंट से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ये वाला हिस्सा क्वेश्चन टैग है, ये वाला हिस्सा क्वेश्चन टैग है, और यहाँ इसको ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, इससे अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। टू सेपरेट डेट्स फ्रॉम द ईयर, किसी दिनांक या तारीख को उसके वर्ष से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं, जैसे मई 20th 2022, मई 20th 2022 एक डेट है, तो इसको ईयर से अलग करने के लिए हमने प्रयोग किया है, ये हो गया ईयर और ये हो गया डेट। तो हमने डेट को ईयर से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया। इसके बाद टू सेपरेट एक्सप्रेशंस लाइक हाउ एवर इनफैक्ट टू एटसेट्रा, इस टाइप के एक्सप्रेशंस आते हैं हाउ एवर इनफैक्ट टू एटसेट्रा, तब हमको कॉमा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे राहुल लॉस्ट सम अर्ली पॉइंट्स, हाउ एवर ही वॉज एबल, है ना, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक गड़बड़ हो गया है। राहुल लॉस्ट सम अर्ली पॉइंट्स, हाउ एवर ही वॉज एबल टू विन द मैच, यद्यपि शुरुआत में राहुल ने कुछ अपने अंक गंवा दिए लेकिन बाद में फिर भी वह मैच जीतने में सफल रहा। दिस ऑर्डर वॉज इनफैक्ट इशूड बाय द प्रिंसिपल, है ना, वास्तव में यह आदेश प्राचार्य के द्वारा जारी किया गया था। तो दिस ऑर्डर वॉज, ये हो गया इनफैक्ट, एक बार फिर कॉमा लग गया, यहाँ पर हाउ एवर के पहले और बाद में कॉमा लगा है। इसके बाद नाइन, टू सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, 4-5 एपिसोड का, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और हम कैसे चेंज करते हैं, है ना। ग्रामर की बहुत ही बेहतरीन मैं सीरीज चला रहा हूँ, आप मेरे सारे एपिसोड जरूर देखें, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रागिनी सेड आई हैव टू वॉश द क्लोथ्स, तो ये कोटेशन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे कोटेशन मार्क के पहले लगता है कॉमा, रागिनी सेड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, आई हैव टू वॉश द क्लोथ्स। टू सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, टू सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच, और इधर वाला हिस्सा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच को
रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। दसवां है टू सेपरेट एन एडवर्ब क्लास फ्रॉम द मेन क्लास। राजीव कुड नॉट गो टू स्कूल, ये मेन क्लास है ना, ये मेन क्लास हो गया और ये हो गया एडवर्ब क्लास। तो टू सेपरेट एन एडवर्ब क्लास फ्रॉम द मेन क्लास है ना, तो ये वाला जो क्लास है एडवर्ब क्लास है, ये जो क्लास है ये एडवर्ब क्लास है। इसके लिए मैं अलग से बुलाऊंगा सीरीज क्लास चैप्टर के ऊपर। ये हमारा मेन क्लास है, तो टू सेपरेट एन एडवर्ब क्लास फ्रॉम द मेन क्लास है ना, एडवर्ब क्लास को, इस एडवर्ब क्लास को मेन क्लास से अलग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं कॉमा का। राजीव कुड नॉट गो टू स्कूल, राजीव स्कूल नहीं जा सका बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। टू सेपरेट पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाई एंड, एंड के द्वारा जब जो पेयर बनाए जाते हैं वर्ड्स के, तो उन सबको अलग करने के लिए, जैसे कि द ओल्ड एंड यंग, एंड के द्वारा ओल्ड और यंग जोड़ा गया है। द रिच एंड द पुअर, ये दूसरा ग्रुप है। द हाई एंड द लो, ये तीसरा ग्रुप है। तीन ग्रुप है यहाँ पर, द ओल्ड एंड द यंग, द रिच एंड द पुअर, द हाई एंड द लो एंजॉयड द शो। मतलब छोटे बड़े, अमीर गरीब और हाई सोसाइटी के, लोअर सोसाइटी के सभी ने शो को एंजॉय किया, आनंद लिया। द सेमी कॉलन, सेमी कॉलन हम डालते हैं अर्धविराम इसको ऐसे। द सेमी कॉलन इंडिकेट्स अ लॉन्गर पॉज देन इंडिकेटेड बाय अ कॉमा। कॉमा में हम बिल्कुल थोड़े समय के लिए रुकना होता है, और सेमी कॉलन में हमको थोड़ा थोड़ा उससे ज़्यादा देर रुकना होता है, और फुल स्टॉप में और ज़्यादा देर रुकना होता है। बोलते समय कॉमा में हम थोड़ी देर रुकते हैं, सेमी कॉलन में थोड़ा उससे ज़्यादा रुकते हैं, और फुल स्टॉप में थोड़ा अधिक देर रुकते हैं बोलते समय। तो यह डिफरेंस है जो समय को बताता है कितने देर हमको बोलते समय रुकना है। द सेमी कॉलन इज यूज टू सेपरेट टू क्लासेज विच मे बी कम्बाइंड यूजिंग अ कंजंक्शन। दो क्लासेज, क्लास मतलब ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस है ना, क्लास जो भी लेकिन वो एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है। क्लास जो होता है एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है और उसका खुद का एक मीनिंग होता है। जैसे कि ही हैज लॉस्ट हिज फादर, उसने अपने पिता को खो दिया। ही इज रियली सैड है ना, वह वास्तव में बहुत दुखी है। तो यहाँ पर ये हमने लगाया हुआ है, दो सेंटेंस हैं, दो क्लास हैं, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है सेमी कॉलन। द सेमी कॉलन इज यूज टू सेपरेट टू क्लासेस विच में बी कंबाइंड यूजिंग अ कंजंक्शन। इसे अगर हम चाहें तो ही हैज लॉस्ट हिज फादर, दैट्स वाइज ही इज रियली सैड, ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं। देयर फॉर ही इज रियली सैड, इसलिए वह बहुत दुखी है। रश्मि वॉज हार्ड वर्किंग स्टिल सी फेल्ड, रश्मि बहुत ज़्यादा मेहनती थी परंतु फिर भी वह फेल हो गई। यहाँ पर हमने लगाया है दोनों क्लास के बीच में। माय कार इज न्यू, यूअर्स इज ओल्ड। तो ये देखिए दो क्लासेस को जोड़ा गया है। क्लासेस क्या होते हैं पर बता देता हूँ। क्लासेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। क्लास क्या होता है, एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है और अपने में कंप्लीट होता है। कई बार जो दूसरा जो क्लास होता है वह मेन क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, मेन क्लास एंड सबॉर्डिनेट क्लास, कई बार दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। वो एक अलग चैप्टर है, अभी लंबा हो जाएगा, मैं बाद में आपको बताऊंगा। माई कार इज न्यू, यूअर्स इज ओल्ड वन। फिर देखते हैं हम सेमीकॉलन का प्रयोग कहाँ करते हैं। टू सेपरेट एम्फेसाइज क्लास इन अ सेंटेंस। हितेश वांट्स अ न्यू कार, फाइन क्लोथ्स टू वेयर, अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड। तीन क्लासेस यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हितेश क्या क्या चाहता है, एक नया कार चाहता है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा चाहता है, लॉट्स ऑफ मनी चाहता है, मतलब तो खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहता है। तो तीन अलग अलग क्लासेस को जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सेमी कॉलन का प्रयोग किया गया है। टू सेपरेट पेयर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के जो पेयर होते हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। एक्सेप्ट एक्सेप्ट, एब्स्टेन रिफ्रेन, एक्सीड एक्सीड, ये। इसके बाद मतलब दो दो वर्ड्स के जो हम ग्रुप बनाते हैं लगभग सिमिलर मीनिंग वाले या फिर अलग मीनिंग वाले, अगर दो दो वर्ड्स का हम ग्रुप बनाते हैं तो उनको अलग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं सेमीकरण का। टू सेपरेट लूजली कनेक्टेड क्लासेस, या दो क्लासेस बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से जुड़े हुए हैं तो उनको अलग करने के लिए। द लायन सॉ
इट रेन, इट रेन एक्चुअल में आ रहे हैं ना, जो मैंने वर्षा वाला रेन लिख दिया है, इट रेन। द लायन सा इट रेन एट फुल स्पीड, इट पाउंस्ड अपॉन अ डियर, है ना। लायन ने देखा, शेर ने देखा, वह बहुत तेजी से दौड़ा और उसने झपटा मारा हिरण के ऊपर, झपट्टा मारा। फोर्थ, द इंट्रोगेशन आर क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर लगाते हैं आप सब जानते हैं, जहां पर हम प्रश्न पूछते हैं। द क्वेश्चन मार्क इज यूज टू एंड अ क्वेश्चन, जब कोई प्रश्न समाप्त होता है, जब भी हम कहीं कोई किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य लिखते हैं, तो अंत में हमको लगाना होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, द क्वेश्चन मार्क। डू यू वॉच मूवीज, क्या आप मूवी देखते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, है ना। दोनों में प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, बहुत आसान है। द एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पर लगाते हैं, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं या आश्चर्य बोधक चिन्ह, जहाँ पर सडन फीलिंग्स या इमोशंस को व्यक्त किया जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा आश्चर्य, विस्मय, है ना। सडन फीलिंग्स, सडन इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस एटसेट्रा। टू एक्सप्रेस ऑल दी फीलिंग्स वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन। द मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन इज एक्सक्लेमेशन इज यूज एट द एंड ऑफ एन इंटरजेक्शन आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट इज यूज एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेशन। वो जो बता चुका हूँ वही है, जैसे एलास, एलास मतलब होता है हाय बहुत, ब्रेवो मतलब शाबाश, लॉन्ग लिव द किंग, है ना, राजा दीर्घायु हो, मे यू प्रॉस्पर, आप बहुत उन्नति करें। तो ऐसे जो हमारे फीलिंग्स एंड इमोशंस हो रहे हैं ना, यहाँ दुख है, यहाँ पर शाबाशी दिया जा रहा है, यहाँ पर विश व्यक्त किया जा रहा है, यहाँ पर भी विश किया जा रहा है किसी को, तो ऐसे फीलिंग्स और इमोशंस को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। द कॉलन, कॉलन में ऊपर नीचे दो डॉट ऐसे लगे रहता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर खाली डॉट रहता है, ये दो डॉट ऊपर नीचे दो डॉट। द कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन आर स्पीच, इंट्रोड्यूस मतलब जब किसी क्वेश्चन के इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई स्पीच स्टेटमेंट होता है, जैसे कि हिज टीचर सेड, ये एक हो गया है कोटेशन या फिर स्टेटमेंट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इंटरप्रेटेड कॉमा में रहेगा, यहाँ पे छूट गया है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हिज टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे कोटेशन मार्क वहाँ पर लगाए वैसे यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ ये भी एक वो भी है, लेकिन यहाँ पर हमने कॉमा की जगह में कॉलन भी लगा सकते हैं। द गीता टेल्स अस गॉड इज लव, यहाँ डबल इंटेड कॉमा रहेगा, द गीता टेल्स अस गॉड इज लव, है ना, गॉड इज लव, गॉड इज लव मतलब प्यार ही भगवान है। इसके बाद द कॉलन इज यूज बिफोर अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स, कॉलन और कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं, बहुत सारा जब उदाहरण देते हैं तो। ऑल द प्लेयर्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर ये गलत लगा है, यहाँ पर दोनों डॉट ही रहेगा, ये टाइपिंग एरर हो गया है। ऑल द प्लेयर्स आर प्रेजेंट, सभी खिलाड़ी उपस्थित थे, हरीश, मनीष, कमल, विमल एंड रमन, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन प्लेयर उपस्थित थे, तो इनकी एक लिस्ट है ना, हरीश, मनीष, कमल, विमल एंड रमन। इट इज़ यूज टू सेपरेट टू कॉन्ट्रास्टेड सेंटेंसेस, है ना, वो दो सेंटेंस जो विरोधाभासी सेंटेंस होते हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, अपोजिट इन मीनिंग, तो उनको भी अलग करने के लिए हम, जैसे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, टू अर इज ह्यूमन टू फॉर गिव डिवाइन, है ना। तो ये इन दोनों को अलग कर, दोनों अपोजिट इन मीनिंग है। द अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी क्या हम ऐसे लगाते हैं ऊपर में, द अपोस्ट्रॉफी इज यूज टू शो पोजेशन, अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है पोजेशन बताने के लिए। पोजेशन मतलब क्या है, किसी चीज का कोई मालिक कौन है, कि वो किसके अधिकार में आता है, किसके पास है वह, किसकी है। गुंजन्स फ्रॉक इज वेरी ब्यूटीफुल, गुंजन नाम की लड़की है, उसकी जो फ्रॉक है बहुत ही सुंदर है, गुंजन्स फ्रॉक। चिल्ड्रंस रूम शुड बी वेल डेकोरेटेड, बच्चों का जो कमरा होता है उसे बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया जाना चाहिए, छोटे बच्चों के कमरों को अच्छे सजाना चाहिए ताकि उनका वहाँ पर मन लगे, वहाँ पर वो खेलते हैं पढ़ते हैं। द टीचर्स क्वार्टर्स आर क्लोज टू द स्कूल बिल्डिंग, जो टीचर के जो क्वार्टर्स बने हुए हैं
टीचर्स के लिए वो स्कूल बिल्डिंग के बहुत पास में। यहाँ पर आप ध्यान में दे दीजिएगा, यहाँ पर एस पहले से लगा हुआ है तो हमने खाली ऊपर में अपोस्ट्रॉफी लगाया है। यहाँ पर एस पहले से नहीं था तो हमने अपोस्ट्रॉफी उसके पहले लगाया है ना, ऐसे अपोस्ट्रॉफी लगा के हमने एस लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एस के बाद में हमने अपोस्ट्रॉफी लगाया हुआ है क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी एस आया हुआ है, ये वर्ड ऑलरेडी आया हुआ है एस, इसलिए हमने एस के बाद में यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी लगाया है। तो ये अगर पहले से एस है तो हमको क्या करना है, खाली एस के बाद में एक अपोस्ट्रॉफी ऐसे लगा देना है। द टीचर्स क्वार्टर्स आर क्लोज टू द स्कूल बिल्डिंग। द अपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू राइट शॉर्ट फॉर्म आर टू मार्क द ओमिशन ऑफ अ लेटर आर लेटर्स। शॉर्ट फॉर्म जब हम बनाते हैं किसी शब्द का या फिर कोई लेटर या लेटर्स को हम हटाना चाहते हैं, वहाँ से डिलीट कर देना चाहते हैं, तब हम मतलब छुपा देना चाहते हैं, तब हम लगाते हैं अपोस्ट्रॉफी। जैसे डू नॉट को हम लिखते हैं डोंट, है ना, यहाँ पे ओ छुपा हुआ है। इज नॉट, इजेंट, यहाँ पे भी ओ छुपा हुआ है। आई एम, आई एम, या ऑनरेबल, ऑनरेबल यहाँ पर है ना, बीच में छुपा हुआ है। कैनॉट, कांट। तो ये ऐसे जब हम किसी लेटर या लेटर्स को ओमिट करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं अपोस्ट्रॉफी। द इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग आप सब जानते हैं। वी यूज इन्वर्टेड कॉमास टू एनक्लोज द कोटेशन आर द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन। प्रायर डायरेक्ट स्पीच में जब हम लिखते हैं किसी महान हस्ती का या फिर किसी व्यक्ति की विशेष के एग्जैक्ट स्टेटमेंट को या उसके कोटेशन को जब हमको लिखना होता है, तब हम उसको हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। अभिजय सेड टू मी आई शैल मीट हिम टुमारो। अभिजय ने मुझसे कहा मैं उससे कल मिलूंगा, है तो अभिजय का स्टेटमेंट है, ये अभिजय नाम का कोई व्यक्ति है, इसका स्टेटमेंट है अभिजय सेड टू मी, तो उसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट आ गया डबल इनवर्टेड कॉमास में। वैसे आई कैन नॉट गो देयर, डबल इनवर्टेड कॉमा में सेड कविता, कविता का स्टेटमेंट है, कविता ने क्या कहा, आई कैन नॉट गो देयर। द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा, ये कॉमा रहेगा। द टीचर सेड लेट मी एक्सप्लेन टू यू द प्रॉब्लम, चलो मैं तुम्हें प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूँ। द चीफ गेस्ट सेड आई एम ग्लैड टू सी द रिजल्ट ऑफ दिस स्कूल। चीफ गेस्ट ने कहा, मुख्य अतिथि ने कहा, मैं इस स्कूल के रिजल्ट को देखकर बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आपने मेन जो पंक्चुएशन मार्क्स थे, एट पंक्चुएशन मार्क्स देखा, और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि अब आप परीक्षा में अगर इस पर आधारित प्रश्न आते हैं तब आप इन्हें हल कर सकेंगे। यदि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, तथा यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।